IPL 2024 की शुरुआत होने में अब महज दो दिन का समय बचा हुआ है। IPL 2024 के 17 सीजन की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है। इस बार लीग का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। बता दें कि IPL 2024 में CSK और RCB का पहला ही मुकाबला काफी रोमांचक माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही टीमें इस बार काफी मजबूत है। और आज हम बात करेंगे कि CSK के खिलाफ RCB किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है। बता दें कि RCB ने IPL 2023 में खराब प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों को अपनी टीम से बाहर कर दिया है, जबकि IPL 2024 के मिनी ऑक्शन में टीम ने नए विदेशी खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल किया है, जिसके चलते टीम के चार विदेशी खिलाड़ियों को चुनना मुश्किल हो सकता है। RCB टीम के कप्तान फॉफ डुप्लेसी हैं और इस खिलाड़ी का प्लेइंग 11 में खेलना तय है, जबकि पहले मैच में टीम ग्लेन मैक्सवेल को भी शामिल कर सकती है, क्योंकि मैक्सवेल इस समय काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं इसके अलावा टीम ऑलराउंडर खिलाड़ी कैमरून ग्रीन और अल्जारी जोसेफ को मौका दे सकती है, जो कि पहली बार IPL में RCB टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। RCB टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस बार IPL 2024 में एक नए अंदाज में दिख सकते हैं। बता दें कि IPL 2024 के ठीक बाद 1 जून से अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप 2024 खेला जाना है। T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली टीम इंडिया की तरफ से तीसरे पायदान पर खेलते हुए दिख सकते हैं, जिसके चलते कोहली IPL 2024 में भी तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। साथ ही विराट कोहली IPL में RCB टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं। आपको बता दें कि RCB टीम अपने पहले मैच में विराट कोहली के अलावा 6 और भारतीय खिलाड़ियों को मौका देगी, जिसमें IPL 2022 में शानदार बल्लेबाजी करने वाले रजत पाटीदार को मौका मिलना तय माना जा रहा है। रजत पाटीदार चोट के चलते IPL 2023 में नहीं खेल सके थे, जबकि इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में दिनेश कार्तिक को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। वहीं इसके अलावा युवा ऑलराउंडर खिलाड़ी मयंक जागर को मौका मिल सकता है, जबकि गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और विजय कुमार वैश्यक को मौका मिल सकता है। वहीं इंपैक्ट प्लेयर के रूप में सुरेश प्रदु देसाई, महिपाल लोमरे और कर्ण शर्मा में से भी किसी एक खिलाड़ी को मौका मिल सकता है। CSK के खिलाफ RCB टीम की संभावित प्लेइंग 11 हो सकती है फाफ डुप्लेसी, रजत पाटीदार, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, दिनेश कार्तिक, मयंक जागर, अल्जारी जोसेफ, मोहम्मद सिराज, विजय कुमार वैश्यक, आकाशदीप। तो आपके इसमें क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी स्पोर्ट जगत से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स।